हेलो बच्चों, स्वागत है आपका CHS JNV स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं आपको यहाँ पर CHS एंट्रेंस एग्जाम हेतु गाइड करने वाला हूँ। मैं खुद भी CHS क्वालिफाइड हूँ तो मैं आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूँ कि CHS की तैयारी करने के लिए कैसे हमें PYQs, कौन से नोट्स, कौन सेलेबस को कैसे फॉलोज करना है हमें। जैसे NCERT जो होती है हमारी बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैंने ये एग्ज़ाम क्लास 9th में क्वालिफाई किया था तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा साइंस, ठीक है। साइंस अब आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर कोई बच्चा बायो लिया तो बायो, अगर कोई मैथ लिया तो मैथ, ये तीनों पोर्शन आपके। मैं यहाँ CHS क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, इससे 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस, अगर कोई बच्चा बायो लिया तो बायो, अगर मैथ लिया, उसे अगर क्लास लिया तो मैथ लेना है तो मैथ, ये भी कितने होंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर हम क्लास 9th एंट्रेंस की बात करें तो साइंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो देखो, क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th और 10th NCERT या इनके सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर, जो साइंस के अंदर एक फिजिक्स का चैप्टर जो है मोशन, आज मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर मोशन। जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा है मोशन, तो सबसे पहले मोशन होता क्या है। देखो, मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंज आए तो उसे हम मोशन कहते हैं। मतलब कि मान लो, यहाँ पे मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, या फिर मान लो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस आदमी से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ये हम मान लेते हैं 5 मीटर है। यानी इस आदमी, यहाँ पे ये आदमी ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर किसे बोलते हैं, जो मोशन को ऑब्जर्व करता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो 5 मीटर इसके राइट साइड है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है, अभी इसकी पोजीशन 5 मीटर है, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन किया, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन ऐसे किया और यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं 10 मीटर है। अब एक बार बताओ, पहले जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी इस ऑब्जर्वर या मैन के रेस्पेक्ट में 5 मीटर थी, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन किया, यहाँ से यहाँ गया, तो अब पोजीशन कितनी हुई इसकी, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो इसी पोजीशन चेंज को हम क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर रेस्ट क्या होता है, देखो रेस्ट क्या होता है, अगर मान लो टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज अगर हो रहा है तो मोशन होगा, और अगर टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट है। मतलब मान लो यहाँ पे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर था, ठीक है, 5 मीटर दूर था, कितना दूर था, 5 मीटर। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या चेंज हुई, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
और हम समझ भी सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कहीं रख दें और वहीं ऑब्जेक्ट हमेशा रहे तो क्या उसका तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, मोशन। देखो एवरीडे लाइफ हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, ठीक है, वो हमें डायरेक्टली दिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, मान लो कि जैसे कोई व्हीकल है, हम रोड पे देखते हैं मोशन करती हुई, ये हमें क्या डायरेक्टली दिखती है। या फिर जैसे हमारे ब्लड में आर्टरी, सॉरी हमारा ब्लड का जो मोशन होता है आर्टरीज और वेंस के थ्रू, और कई तरीके के मोशंस हो सकते हैं जो हमें डायरेक्टली दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मोशंस होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली पता चलता है, यानी उसे वो हमारे रिस्पेक्ट में डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली देखेगा। जैसे समझो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये अब एक बार बताओ, जैसे एग्जांपल पे मैं ले रहा हूँ अर्थ, ठीक है, तो एक बार बताओ अगर आपको पता होगा कि अर्थ पे सनराइज होता है, सनसेट होता है, और उसके बाद आपका सीजन चेंजेस होते हैं, ये क्यों होते हैं? आपको पता होगा कि ये अर्थ की मोशन की वजह से होता है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है और खुद अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, तो इन मोशंस की वजह से ही सनराइज सनसेट और सीजन में चेंज आता है। तो एक बार बताओ क्या हमें यहाँ पे, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ ग्राउंड पे, ये क्या है अर्थ है, क्या ये हमें डायरेक्टली लग रहा है कि मोशन कर रहा है? नहीं ना, लेकिन हमको पता है कि अर्थ क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में। क्यों? क्योंकि समय के साथ सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समटाइम्स मोशन इनडायरेक्टली हमें पता चलता है। तो यही सेकेंड टॉपिक से यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स मोशन इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, यानी यहाँ पे जो सनराइज या सनसेट हुआ ये हमें एक एविडेंस देता है कि मोशन कहीं ना कहीं अर्थ मोशन में है। तो इनडायरेक्टली हमें पता चला, डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली देख रहे हैं, तो क्या अर्थ मोशन क्या हमें दिख रहा है, क्या अर्थ मोशन कर रहा है? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो था, द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मतलब समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजिशन या फिर उसकी स्थिति चेंज होती है तो उसे हम गति कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट, समटाइम्स मोशन इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इसकी भी बात मैंने आपको अच्छे से अर्थ के एग्जाम्पल के थ्रू, मोशन ऑफ द अर्थ के एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी। तो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में दी गई है, इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब अगर हम आगे बात करें, ये लिखा हुआ है, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मतलब एक एनसीईआरटी में एक टर्म दिया है कि जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, हो सकता है वो मोशन में हो और हम और किसी और ऑब्जर्वर को हम चेंज करें तो हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो। मतलब कि यहाँ पर जो भी मोशन होता है ये हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही बताते हैं। ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑब्जर्वर वो होता है जो मोशन को ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये ऐसे मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर है, कुछ भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ये ऑब्जर्वर टू जो रिलेटिव क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज हो। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ना, मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे कौन है, ऑब्जर्वर है जो मोशन को ऑब्जर्व करता है ना। उसने देखा कि ये एक बस है, ठीक है, क्या है, ये एक बस है, ये बस यहाँ से मूव करती हुई ये बस यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। मान लो जब बस यहाँ थी तो उस समय टाइम था t=0, मतलब जहाँ से t=0 वो टाइम होता है जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं। फिर मान लो कुछ टाइम के बाद, कितना टाइम, टी के बाद ये बस मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया। अब ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये बस पहले यहाँ था, यहाँ से ये बस यहाँ पहुँचा, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस बस की पोजीशन चेंज हुई, पहले ये पास था अब दूर हो गया। समझ में आ रही है बात? मतलब इसका जो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बस जो है मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं जो इस बस में बैठा हुआ है, ठीक है,
ये बस में बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जब बस को देखेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये बस कैसे इसे देखेगी रेस्ट में? समझ में आई बात? क्योंकि वह उसी बस में ही ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर उसके वो जब भी देखेगा, यानी मान लो कि ये बस का एक सबसे फ्रंट पॉइंट है और ये यहाँ से मान लो कुछ डिस्टेंस 5 मीटर दूर बैठा हुआ है, तो कुछ समय बाद भी जब ये यहाँ पहुँच जाएगी बस, तो भी जो ये ऑब्जर्वर होगा इसका डिस्टेंस जो फ्रंट पॉइंट से 5 ही मीटर होगा, वो अदर बात है सीट चेंज कर दे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 मीटर दूर अब भी है, 5 मीटर दूर अब भी है, तो क्या इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस बस की पोजिशन चेंज हुई? नहीं सर, नहीं हुई। तो हम यहाँ से क्या समझे कि यही बस जब ऑब्जर्वर बाहर खड़ा था तो यही बस उसके रेस्पेक्ट में मोशन में थी, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्वर को बस के अंदर रख दिया तो उसके रेस्पेक्ट में ये बस क्या हो गई? रेस्ट में हो गई। तो इसीलिए मोशन को हम क्या बोलते हैं, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब हर ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर, देन इट मे बी इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको अच्छे से समझा दिया कि यही बस जब ऑब्जर्वर बाहर खड़ा था तो मोशन में था, और जब ऑब्जर्वर अंदर आ गया तो क्या हो गया? रेस्ट में हो गई, उसके रेस्पेक्ट में वो बस रेस्ट में है। ऐसा नहीं कि बस मूव नहीं कर रही है। देखो बस किसके लिए दिखेगी मूव करते हुए? जो बस के बाहर खड़ा होगा वो देखेगा कि बस ऐसे जा रही है। समझ में आई बात है यहाँ पर? लेकिन जब हम इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इस बस की पोजिशन चेंज नहीं हुई, तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में ये बस रेस्ट में है। समझ में आई बात? तो यहाँ से ये टर्म समझ में आ गया होगा, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। देखो एब्सोल्यूट क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती। एक बात बताओ, जैसे इस रूम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अब क्या होगा, इस पूरे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं चाहे यहाँ खड़े होकर इस रूम का टेम्परेचर मेजर करूँ, चाहे कहीं और यहाँ वहाँ कहीं भी जाऊँ, तो रूम का टेम्परेचर तो 20 ही डिग्री होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी ये इसकी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है जो फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे रिलेटिव क्वांटिटी किसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी किसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है? देखो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के मोशंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मोशंस मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मोशन के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल मोशंस की बात करते हैं, ठीक है? जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है। अगर हम मोशन के बारे में सोचें तो जो सबसे सिंपल मोशन होता है, भाई सीधा चले हो, स्ट्रेट लाइन चले, सीधी सी बात, इससे सिंपल कोई मोशन नहीं हो सकता। तो इसलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक टाइप हुआ मोशन का। सेकेंड, सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। अब जनरली जो वाइब्रेटरी मोशन है ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम्स के अंदर होते हैं वो फॉलो करते हैं, उनका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह वाइब्रेट करते हैं। चौथा है कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशन। इसी कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मोशन। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहा है, समझ में आई ये बात, या रोटेटरी मोशन कर रहा है साथ में स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन सब मोशन हो गए, इन्हें कॉम्प्लेक्स मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लो कि ये क्या है, एक कोई स्लोप है, ढलान टाइप है, यहाँ पे मैंने एक बॉल को रख दिया, ये बॉल क्या है, 3D है, ठीक है? अब इस बॉल जब ये रोल करेगी, तो बॉल जब रोल करेगी तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी मोशन होगा, ये एक आप देख सकते हैं, और एक जो ये ऐसे 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 रोल करेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन भी कर रही है और स्ट्रेट लाइन भी मोशन कर रही है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस कर रही है। समझ में आया ये बात? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस मतलब एक से अधिक टाइप्स के मोशन किसी ऑब्जेक्ट में साथ में हो रहे हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन सब मोशन बोलते हैं, और ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने बात की कि सबसे पहले मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके बाद मोशन को कैसे रिलेटिव क्वांटिटी बोलते हैं इसकी बात की, और अब हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? अगर कुछ कुछ इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है इसके बारे में हमें ब्रीफ में पढ़ना है थोड़ा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब किसी एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन मोशन होता है,
जब कभी भी वन डायरेक्शन मोशन होता है तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। सेकंड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा, एक कोई सर्कुलर पाथ होगा, इसी के अराउंड ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन, जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड्स के अंदर वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, बेसिक टर्म्स है, समझना जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, मोशन इन वन डायरेक्शन, मतलब जब कभी भी एक डायरेक्शन में मोशन होता है तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर दूसरा नाम है इसका मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मान लो ये एक बस है, ठीक है, मान लो ये कार है, ये कार यहां से मूव करके यहां पहुंच गई, तो एक बार बता, इस कार ने एक स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो किया, ऐसे समझ में आया, स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो किया, तो इसका इसका जो भी पोजीशन होगा इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये एक्स में मोशन कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वाई में कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक कोऑर्डिनेट की यहाँ पे जरूरत पड़े, इसलिए वन डायमेंशन मोशन भी इसे कहते हैं। समझ में आया ये बात, वन डायमेंशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, अ बॉल विच इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। देखो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है कि इसे हमने स्ट्रेट सीधा ऐसे फेंका। वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ अपवर्ड नहीं लिख सकते, अपवर्ड मतलब क्या था, ऊपर, तो ऊपर तो हम ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है एकदम सीधा फेंकेंगे, जब हम सीधा फेंकेंगे तब ये एक डायरेक्शन फॉलो करेगा, ऐसे, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन। मान लो सर अपवर्ड में मैं तो ऐसे भी फेंक दूंगा, तो एक बार बताओ जब ऐसे फेंकोगे या ऐसे फेंकोगे तो उस एक बार बताओ वो क्या करेगा, जहां अगर तुम ऐसे फेंके या ऐसे फेंके तो ये पाथ फॉलो करेगा ना, ऐसे जाएगा या पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उस केस में उसकी कुछ हाइट भी मिलेगी और कुछ रेंज भी मिलेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डिस्टेंस मिल जाएगा, तो बताओ तो वो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, नहीं ना। स्ट्रेट लाइन मोशन वही होता है जिसे हम ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो जहां से थ्रो किया वहीं आ जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, उसे क्या बोलते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और उसके लिए वर्टिकली अपवर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हम लोग रोड्स पे देखते हैं कार्स को मूव करते हुए, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे भाई कार है तो साइड वाइड भी बगल बगल से भी निकालते हैं, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कार अगर सीधे मूव कर रही है तो उसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पे हम इसको समझाने के लिए, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा, इसको आप समझिएगा। इस फिगर के थ्रू हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में। तो देखो, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास उनका खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। तो जब हम यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स की, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे उस मोशन के ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने ये क्या लिया, एक रिफरेंस पॉइंट लिया। रिफरेंस पॉइंट मतलब ये क्या है, मेरा एक ओरिजिन है, ठीक है, इसको मैंने क्या बना दिया, ओरिजिन। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लो 10 मीटर है, ये मान लो 15 मीटर है, ये मान लो 20 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी।
अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से मान लो ये कुछ 50 मीटर ऐसे ही कुछ होगा आगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है यहां ओरिजिन से शुरू किया मोशन, ठीक है, और यहां से मूव करता हुआ सी तक गया, ठीक है, फिर सी से वापस बी पे आ गया, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से सी तक गया फिर सी से बी तक आया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पर हम दो टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक को बोलते हैं डिस्टेंस, दूसरे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास एक अपना खुद का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे देखो, मैंने लिखा कि मोशन कहां से कहां हो रहा है, ठीक है, मोशन फ्रॉम ओरिजिन टू सी देन बी, ओरिजिन टू सी तक गया फिर देन बी तक गया ना। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जितना भी पाथ उसने ट्रेवल किया, जितना उसने पाथ ट्रेवल किया उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक बार बताओ, ये यहां से जो ऑब्जेक्ट था पहले यहां से कहां तक गया, सी तक गया, ठीक, सी तक यानी 20 मीटर गया, बात समझ में आई। फिर सी से कहां आ गया, बी वापस आ गया, समझ गया। तो यहां 20 मीटर फिर वापस आया, तो ये 5 मीटर एक्स्ट्रा भी तो चला, समझ में आई होगी बात। पहले यहां से यहां 20 मीटर चला, फिर ये 5 मीटर एक्स्ट्रा चला। तो पाथ लेंथ क्या होता है, टोटल सम पाथ का जो उसने पाथ फॉलो किया। तो यहां पे अगर हम डिस्टेंस लिखना चाहें कि डिस्टेंस कितना पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, तो उसको हम बोल सकते हैं यहां से यहां गया 20 मीटर, फिर 20 से 15 आया, मतलब 5 मीटर ये एक्स्ट्रा, तो 20 + 5 बराबर 25 मीटर चला। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर हमें यहां पे डिफाइन करना हो तो हम डिस्टेंस को क्या डिफाइन करेंगे, टोटल पाथ लेंथ जो भी उस ऑब्जेक्ट ने पाथ फॉलो किया मोशन के दौरान, उस पाथ का जो टोटल पाथ लेंथ हुआ वही उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, कि उसने इतना डिस्टेंस कवर्ड किया, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके इनिशियल पोजिशन, और मान लो जिस जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जो उसने हो सकता है ट्रेवल किया भी हो ना भी किया हो, याद रखना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं एक बार, डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, अब हम यहां पे किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझे, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसको मैग्नीट्यूड और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हायर स्टडीज में कि ये वेक्टर एलजेब्रा को भी फॉलो करता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं जैसे पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहां पे आप इतना समझ लीजिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को निकालते कहते हैं, कैसे हैं, जो भी उसका फाइनल पोजिशन होगा और जो भी उसका इनिशियल पोजीशन होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन जहां से उसने मोशन शुरू किया, फाइनल पोजीशन जहां पे एट द एंड वो पहुंचा, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट जो होता है डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो भी आप बोल लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजिशन कहाँ था, यहाँ पे, और सब ये मोशन करता हुआ सी टू बी यहाँ पहुंचा, मतलब इनिशियल पोजिशन यहाँ है, फाइनल पोजिशन यहां है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, ठीक है,
और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां से मोशन शुरू होता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं टी इक्वल टू जीरो। तो देखो फाइनल पोजीशन कहां था, सी पे, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल पोजीशन बी है ना, ये बी क्या है, फाइनल पोजीशन है कि मतलब ऑब्जेक्ट यहां से ओरिजिन से शुरू किया मोशन, यहां से सी गया फिर बी आ गया, मतलब बी क्या हो गया इसकी फाइनल पोजीशन। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन, तो इन पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही पूरा डिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी यही तो इनके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो ये कितना होगी, ये जीरो है, ये 15, यानी 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुआ। तो हमने कैसे देखा, यहां पे डिस्टेंस 25 मीटर हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट जीरो से सी फिर सी से बी पहुंचा तो डिस्टेंस कितना हुआ 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15 मीटर। तो एक यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो कोई ये यहां से ऑब्जेक्ट चलता है यहां से सी तक, ठीक है, सिर्फ सी तक जाता, तो उस केस में जो भी देखो डिस्टेंस कितना होता 20 मीटर, सीधी सी बात, और सी क्या हो जाएगा उस केस में फाइनल पोजीशन और ये ओरिजिन इनिशियल पोजीशन, तो उसके बीच का भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ है वो कितना 20 मीटर, यानी इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। तो इस केस में सर क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये वापस मोशन किया, मतलब बैक रिवर्स मोशन किया, समझे। रिवर्स मोशन करने से क्या हुआ कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस था वो घट गया, समझे, या जो शॉर्टेस्ट लेंथ था वो घट गया। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसके बारे में लिखें, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर इसको फार्मूला के टर्म में लिखना चाहे, अगर हम x को डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लो कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो यहां से हम ले लेते हैं, सॉरी फाइनल पोजीशन है वो d है, d क्या है फाइनल पोजीशन है। ठीक, तो फाइनल पोजीशन माइनस ये d मान लो इनिशियल पोजीशन है, तो समझ में आया, जो भी उसका फाइनल पोजीशन होगा माइनस जो भी उसका इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे मान लो डी डैश, सॉरी थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ से मान लो ये क्या हो गया डी डैश इसका इनिशियल पोजीशन और डी क्या है फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट आएगा, हमें क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम एग्जाम्पल से एक तौर पर समझे, तो मान लो जैसे ये यहाँ ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया, ठीक है, फिर कुछ ऐसे मूव किया, समझो बात, मान लो ये कितना है 10 मीटर, ये क्या है 15 मीटर, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं हम 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक मिनट इसको मान लो तुम अच्छा क्वांटिटी लेते हैं तो अच्छा नंबर आएगा, 13, 5, 12, 13, हाँ ठीक है, इसको मानते हैं कि ये 5 मीटर है, इसको मान लेते हैं हम 12 मीटर, ठीक है, तो एक बार बताओ ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो किया ऐसे 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 से यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो अगर हमें इस केस में डिस्टेंस बताना हो तो हम क्या बताएंगे, जो भी पाथ उसने कवर किया, ठीक है, जो भी पाथ कवर किया वो जितना होगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब 5 मीटर इधर चला 12 मीटर इधर चला, तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस बताना हो तो हम क्या बताएंगे,
पांच और 12 मतलब 17 मीटर, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो मैंने आपको बताया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा या शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ इनिशियल पोजीशन, ये हुआ फाइनल पोजीशन। तो बताओ सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा बनेगा, ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा कि ऐसे? तो देखो इसका जो शॉर्टेस्ट लेंथ बनेगा ये कुछ ये होगा, समझे? इससे शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं हो सकता। तो एक बार बताओ आपने आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उसके थ्रू अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में यही वैल्यू आएगी, कितना ही आएगी, ये आ जाएगी, ये आएगी 13 मीटर, समझे? तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहां पर 13 मीटर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये सेम भी हो सकता है ये डिफर हो। इस केस में हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थे, अलग अलग थे। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ये यहां से यहां गया, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। तो एक बार बताओ यहां से यहां गया तो ये पाथ का कितना दूरी है, पाथ कितना है इसका, 5 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, जितना डिस्टेंस था। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। अगर इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ये या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, सॉरी ये तो आप लोग ने समझ लिया, इसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, यहां पे हमने देखा, ठीक है। तो बराबर का सिंबल ये हो गया और डिस्टेंस बड़ा का ये। तो देखो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होता है या उससे ज्यादा होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता, समझे बात? तो यहां पे इसलिए हमने ये इक्वेशन लिख दिया। तो होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बाकी नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।